आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हरियाणा ने पिछले 2 साल के अंदर 16,72,000 व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आ गए। कुल 2,86,00,000 की आबादी हरियाणा में, और इसमें से 1,81,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं आज की तारीख। इस बीजेपी सरकार ने क्या स्तर हरियाणा का बना दिया है। अगर मैं जिला वाइज बात करूं तो अम्बाला के अंदर 1,86,000 से ऊपर, भिवानी में 2,21,000, 299, चरखी दादरी में 88,000, इस तरीके से हर जिले के अंदर 1.5 से 2 लाख, कहीं कहीं 2 लाख से ऊपर 2.5 लाख तक गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। यह सरकार के सारे दावों का पोल खोलती है। तो सरकार कहते हैं कि हमने हरियाणा को इतना विकसित कर दिया, हरियाणा को इतना शिक्षित कर दिया। अगर हरियाणा की ये स्थिति है तो ये तो सरकार का गलत है। इतनी लोग गरीबी रेखा से नीचे अगर जी रहे हैं और मंत्री और उनके रिश्तेदार अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं, सोल्यूशन ये है कि जमीनी स्तर पर बदलाव करें, लोगों को नौकरियां मिले, अच्छे उद्योग लगे, अच्छी पॉलिसी बने। खाली घोषणा से कुछ नहीं होगा। हरियाणा को ऐसी सरकार चाहिए जो गरीबी को खत्म करे, जो महंगाई को खत्म करे, जो भ्रष्टाचार को कम करे। हरियाणा को ऐसी सरकार चाहिए जो युवाओं को रोजगार दे, नए उद्योग लगाए। हरियाणा में इकोनॉमी कल रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिससे जनता की जेब में सीधा पैसा आए। दिल्ली की तरह प्रतिवृत्ति आए बढ़े, अरविंद केजरीवाल से सीखने की जरूरत है कि कैसे बिजली फ्री देके, पानी फ्री देके, सबसे ज्यादा मिनिमम वेजेस लगभग 20,000 रुपए देके लोगों के जीवन स्तर को बढ़िया बनाया जा सकता है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।